एक झापड़ में सब भूल जाओगे, बैठ बे, जमीन पर बैठ। एक शख्स जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी से कहता है कि गांव में पानी की सप्लाई नहीं आ रही, तब मंत्री जी यही जवाब देते हैं। चुनावी आगाज के बाद एक ओर जहां सभी नेता हाथ जोड़कर जनता से वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजय मिश्रा जनता को लताड़ रहे हैं। कितनी विडंबना है ना कि जो धूप और बारिश होने के बाद भी लंबी कतारों में लगकर वोट करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, उसके बाद उनके साथ ही ऐसा बर्ताव हो रहा है। अजय मिश्रा टेनी सुर्खियों में तब भी आए थे जब इनके बेटे आशीष मिश्रा की कार ने किसानों को रौंद दिया था, ऐसा आरोप लगा था। अब अजय मिश्रा टेनी पर सुर्खियां फिर से बन रही हैं। पूरा मामला बताएं उससे पहले एक जरूरी सूचना। ललन टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर में आए, तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर सीट को बनाते हैं खास। बताना कहां है उसके लिए chunav@lalantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को जरूर भरें। सूचना समाप्त। अब खबर पर लौटते हैं। 10 अप्रैल 2024 लखीमपुर का पलिया, यहीं के बसंतापुर ग्राम सभा क्षेत्र के सेमरी पुरवा गांव में अजय मिश्रा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अजय मिश्रा भाषण दे रहे थे, इसी बीच एक गांव वाले ने उनसे कहा कि गांव में पानी की सप्लाई ना होने की वजह से समस्या आ रही है। उसे उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसकी परेशानी को संज्ञान में लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देंगे, लेकिन हुआ इससे विपरीत यानी उल्टा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बोले, तू बैठ जा बे, बैठ, हम बोल नहीं रहे हैं तो दिमाग खराब है। बाकी अब ये वीडियो देखे। शायद झापड़ खाकर जमीन पर बैठने के लिए ही इस शख्स ने इन्हें वोट देकर उसे थप्पड़ मारने और रुआब झाड़ने की ताकत दी थी। केंद्रीय मंत्री के इस बर्ताव के बाद सभा में सन्नाटा पसर गया। कुछ ही देर बाद मंत्री जी अपने रास्ते चले गए और वो शख्स सिर झुकाकर अपने घर। आज तक के सहयोगी अभिषेक वर्मा ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि जिस शख्स के साथ अजय मिश्रा ने यह बर्ताव किया, उसने हमें ये पूरा मामला बताया है। कैमरे पर कुछ भी कहने से उस शख्स ने मना कर दिया। अभिषेक ने इस मामले पर अजय मिश्रा से बात करने की कई बार कोशिश की। वो मिश्रा के घर भी गए, लेकिन अजय मिश्रा ने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है, ना ही शासन और ना ही प्रशासन। किसान आंदोलन के दौरान भी अजय मिश्रा टेनी विवादों में घिरे थे। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य अजय मिश्रा टेनी के पैतृक गांव बनबीरपुर आ रहे थे। किसान डेप्यूटी CM के इस दौरे का विरोध कर रहे थे, इसके लिए किसान विरोध मार्च निकाल रहे थे। डेप्यूटी CM को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन आखिरी मौके पर प्लान बदल गया। प्रदर्शनकारी किसानों को जब इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने बनबीरपुर की रोड ब्लॉक कर दी। इसी दौरान एक कार जिसमें कथित तौर पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सवार थे, प्रदर्शनकारी किसानों पर उन्होंने कार चढ़ा दी, ऐसा आरोप लगा। 4 किसानों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी हुई थी। साल 2000 में प्रभात गुप्ता की हत्या में भी अजय मिश्रा का नाम आया था। हालांकि 2004 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में टेनी को बरी कर दिया था। आज फिर अजय मिश्रा खबरों में है। इनके इस रवैये पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बाकी इस खबर पर आपके क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाइए हमारे साथी रजत पांडे ने। शुक्रिया।